मेरा नाम मिंटू कुमारी है और मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, फ्रॉम हरियाणा। मेरा 2 टाइम क्वालिफाइड है नेट और मैंने ये GTA से किया है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने फर्स्ट टाइम जब इसमें कोचिंग स्टार्ट की थी अपनी, तो टीचर्स जो करवाते थे सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सब बहुत परफेक्ट लगा मुझे, अच्छा था, बेस्ट था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और हेल्पफुल बहुत है, ये सपोर्टिव है। और यहाँ के जो सर हैं, मिश्रा सर, उनका भी बिहेव बहुत अच्छा लगा मुझे। और सेकंड टाइम मुझे यहाँ आने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनका जो सिलेबस था, नोट्स थे, वो काफ़ी अच्छे थे। मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम ली तभी हो गया था मेरा क्लियर। उसके बाद जैसे सेकंड टाइम में इन्हीं की हेल्प से, सेकंड टाइम मैंने JRF करना चाहा, बट कुछ पॉइंट से मैं रह गई, लेकिन सेकंड में भी नेट ही क्लियर हुआ। और अब जैसे मैं देखती हूँ और कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने देखा, वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, ये उससे बेस्ट था, इसलिए मैंने इसी में अपना जो भी था आई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बेस्ट है ये बाकी उनसे। जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा, नोट्स वगैरह सब परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू जैसा हमने नेट में देखते हैं उसका पेपर में। मुझे सिलेबस के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैंने देखा उसका पेपर के सिलेबस के लिए, तो यहाँ से पता चला सिलेबस भी, उसका पैटर्न, जो क्वेश्चन आते हैं कितने डिफिकल्ट आते हैं कॉमर्स में, तो उसका जो भी था लेवल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ के जो नोट्स या जो भी बताते हैं बुक्स वगैरह रेफरेंस, वो भी बढ़िया, इनको सब पता होता है कि टीचर्स को कि ये यहाँ से आएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं, जो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो भी था नोट्स वगैरह सब बेस्ट है।